रबाडा की कहर गेंदबाजी, शिखर धवन की तोड़ू बल्लेबाजी, आईपीएल 15 में जीती हारी अपनी दूसरी बाजी। जी हां, गुजरात टाइटंस जो अभी तक आईपीएल 15 में सिर्फ एक मैच हारी थी, वो आज अपनी दूसरी बाजी हार गई, यानी कि दूसरा मैच हार गई, क्योंकि एक तरफ तो कहर गेंदबाजी की रबाडा ने और उसके बाद बड़ी तोड़ू बल्लेबाजी की शिखर धवन ने, और इसी वजह से गुजरात टाइटंस पर धमाकेदार जीत दर्ज की। 8 विकेट से एक तरफा जीत पंजाब किंग्स ने दर्ज की है। टॉस जीता था हार्दिक पांड्या ने और किया था बल्लेबाजी का फैसला। फैसला उनके लिए उल्टा साबित हो गया, क्योंकि जीटी पहले बल्लेबाजी करते हुए 143 रन ही बोर्ड पर लगा पाई। जीटी की शुरुआत बड़ी खराब रही, क्योंकि शुभमन गिल सिर्फ 9 रनों पर ही रन आउट हो गए। इसके बाद रिद्धिमान सहा 21 पर आउट हो गए, हार्दिक पांड्या सिर्फ 1 पर आउट हो गए, किलर मिलर सिर्फ 11 पर आउट हो गए, राहुल तेवतिया भी सिर्फ 11 बना पाए, राशिद खान 0 पर आउट हो गए। सिर्फ एक साई सुदर्शन को छोड़ दें, जिन्होंने 50 गेंदों पर नॉट आउट 65 रन बनाए, तो बाकी सभी बल्लेबाज पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आए। अगर साई सुदर्शन 65 नहीं बनाते तो पंजाब किंग्स के सामने जीटी 100 या 110 के आसपास ही ऑल आउट हो जाती। सामने से बड़ी कहर गेंदबाजी की कगिसो रबाडा ने, 4 ओवर में 33 रन देकर 4 विकेट लिए, और बाकी अर्शदीप, ऋषि धवन और लिविंगस्टोन के नाम 1-1 विकेट गया। इसके बाद आती है पंजाब की बल्लेबाजी। शुरुआत इनकी भी खराब रहती है, क्योंकि जॉनी बेयरस्टो सिर्फ 1 रन पर आउट हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद शिखर धवन और भनुका राजपक्षे मैच को बहुत दूर ले जाते हैं जीटी से। शिखर धवन 62 रनों पर नॉट आउट रहते हैं, बीच में भनुका राजपक्षे 40 रनों की अच्छी पारी खेलते हैं, और आखिर में लियाम लिविंगस्टोन 10 गेंदों पर नॉट आउट 30 रन बनाते हैं 300 के स्ट्राइक रेट के साथ, और एक तूफानी जीत पंजाब को दिला देते हैं। 8 विकेट से पंजाब जीटी के सामने ये मैच जीत जाती है, और पॉइंट्स टेबल को भी और आईपीएल को भी बड़ा रोमांचक बना देती है, क्योंकि अब जीटी का एक तरीके से डाउनफॉल शुरू हुआ है। वो अभी तक टॉप पर थे, और टॉपर टीम को हराना, वो भी एक तरफा इस अंदाज में, ये जीटी के लिए अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन पंजाब के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि वो पॉइंट्स टेबल में और ऊपर चढ़ गई, और जिस तरीके से वो खेल रही है, आने वाले 1-2 मैच में ऐसे ही अगर जीत दर्ज कर देगी तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो और ऊपर पॉइंट्स टेबल में पहुंच